लेकिन इस जजमेंट के माध्यम से जो जजेस अपना दिखाना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया है, इस जजमेंट के माध्यम से उन्होंने SC ST एक्ट को ख़त्म ही कर दिया एक तरीके से। जैसे इसमें जो मेन प्रोविजन उन्होंने जो ऐड किया गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, कि जो भी आप देखिए कि आज जितने भी थाने होते हैं, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम अपर कास्ट आपको SHO मिलेंगे जी, मैक्सिमम आपको अपर कास्ट SHO मिलेंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का उनको ऑप्शन दे दिया है कि आपको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, पहले क्या था कि डायरेक्टली आप अरेस्ट कर सकते हो, जैसे ही आपके ऊपर कुछ आया आप अरेस्ट कर सकते हो। नाउ देयर इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कि पहले आप उसको देखो कि ये रियल में केस बनता है कि नहीं बनता। उस केस में हर एक जो बंदा अपर कास्ट में बैठा हुआ है उसको फोर्स करेगा, बाउंड करेगा कि केस ना बनाया जाए, और वो केस जो मेन SC ST का डर है लोगों के अंदर कि हमें एट्रोसिटीज नहीं करनी है, और वो डर खत्म हो गया है बिल्कुल। एंड सेकंड थिंग जो मैं आपको मेन बताना चाहूंगा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन, जो कि 438 में एंटीसिपेटरी बेल CRPC में दे रखी है, पहले वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं थी SC ST एक्ट के अंदर, कि आप डायरेक्टली आपके ऊपर ऑफेंस आपको लगता है कि कोई एंटीसिपेशन है कि मैंने ऑफेंस किया है, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास जाके या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाके एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते थे। वो जो कंसेप्ट था एंटीसिपेटरी बेल का कि अरेस्ट से पहले आपको बेल मिल जाएगी, वो SC ST एक्ट पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन मैंने जब जजमेंट पढ़ी ये वाली, तो उन्होंने ये बताया जजमेंट के अंदर कि जो SC ST एक्ट के ऊपर एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है वो ओवरऑल अप्लाई होगा जी, एंटीसिपेटरी बेल आप उसमें ले सकते हैं, लेकिन जब वो केस प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है कि फेक केस है, उस केस में आपको एंटीसिपेटरी बेल इसमें भी मिलेगा। आकाश जी, 1989 के अंदर ये लॉ बना। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद में 2015 के अंदर इसके अंदर संशोधन हुआ। हाँ जी हाँ जी। ये पूर्ण रूप से लागू भी नहीं हो पाया, और ये जजिनो अपनी पूरी मानसिकता को ये दिखा दिया कि भाई हम जो सुनाएंगे वो एक दो व्यक्ति मतलब एक कोर्ट में बैठ के कुछ भी सुना सकते हैं। देखो जजेस का क्या होता है, जजेस के मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ऑनर करता हूँ मैं इस चीज के अंदर, लेकिन जो जजेस होते हैं वो एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, और जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं उनका अपब्रिंगिंग उसी में हुआ होता है, एंड अपने सोसाइटी में जानते हैं कि अपना अपब्रिंगिंग कैसे होता है, कास्टिस्ट अपब्रिंगिंग ज़्यादा होता है कि आप में ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो वो जब एक प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं तो अपने अपब्रिंगिंग को उनकी गलती नहीं है, जिस माहौल में वो अपब्रिंग हुए हैं उसको लागू करने की ट्राई करते हैं। और अपब्रिंगिंग कैसे होता है कि अपर कास्ट या लोअर कास्ट, तो वही चीज़ उनके जजमेंट में रिफ्लेक्ट करती है। तो इसीलिए जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है और जो 2 तारीख का आंदोलन हुआ है, मैं मानता हूँ कि बहुत सही हुआ है ये। सर, ये 2 तारीख को आंदोलन हुआ, फिर ये सरकार रिव्यू पिटीशन डाल रही है। हाँ, रिव्यू पिटीशन भी वही क्या वही जजेस के पास जाएगा। लेकिन ये जो मैटर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक जो रिव्यू पिटीशन होती है वो उस पर कोई काम नहीं करती है, वो उन्हीं जज तक सीमित रहता है। लेकिन इसका सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे ये चाहिए कि हायर जजेस बेंच बना के उसके पास मैटर को ट्रांसफर किया जाए और वहाँ पे रिव्यू पिटीशन हो प्रॉपरली, वहाँ सुना जाए इस चीज को, ताकि एक हायर जजेस बेंच का डिसीजन प्रॉपरली दे सके, प्रॉपर उसमें कमिटी बैठी हो। वहाँ पे SC का ऑब्जर्वर भी होना बहुत जरूरी है, SC ST का ऑब्जर्वर भी होना बहुत जरूरी है, तो उस केस के अंदर ये बेटर रहेगा। नमस्कार।